हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो है हम देखेंगे ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं करवाना चाहती, कौन सी स्टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती है और कौन सी जो है इससे इसका विरोध कर रही है, और इस बात पे जो है HRD ने क्या कहा है। इसमें हम सारी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, चाहे वो PU हो, KUK यूनिवर्सिटी है, MDU यूनिवर्सिटी है, CRSU जींद यूनिवर्सिटी है। सो जैसे कि आपको पता है, जैसे UGC की न्यू गाइडलाइंस आई, उसके बाद सिर्फ 6 स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की हम यहाँ पे बात करें, स्टेट गवर्नमेंट जैसे लाइक हम बात करें पंजाब के CM है, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। दिल्ली के CM है, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। बट इसमें सिर्फ 6 ही स्टेट हैं जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और बाकी के जो स्टेट के CM हैं उन्होंने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से जो है HRD पे जो है ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ा। UGC को भी ये लगा कि सिर्फ 6 स्टेट ही तो बोल रही है, बाकी स्टेट तो हैं कि हमने एग्ज़ाम ले सकते हैं, बाकी स्टेट ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया। तो इस चीज़ से जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कि सिर्फ 6 स्टेट है यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ठीक है। तो सिर्फ ये स्टेट ऐसी हैं जो इस चीज़ के खिलाफ हैं, ये चाहती हैं कि एग्ज़ाम ना हो। तो HRD जो है ये कह रही है कि भाई एग्ज़ाम होंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे दोनों मोड को मिक्स करके जो है एग्ज़ाम लिए जाएं। इसके अंदर इन्होंने जो है एक फॉर्मूला भी बनाया था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, SOP फॉर्मूला था कुछ। अगर किसी और जैसे UGPG के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको लाइक अगर फीवर है या कुछ और प्रॉब्लम है खांसी, तो उस टाइम पे जो है अगर उनको ऐसे लगेगा कि एग्ज़ाम देते टाइम कि इनको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो है अलग से रूम में उनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी जो है इन्होंने बहुत सारे जो यहाँ पे दिए हुए नियम कि अगर एग्ज़ाम जैसे होंगे तो वहाँ पे कैसे कैसे एग्ज़ाम लिए जाएंगे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, स्टूडेंट को एक दूसरे के से कितनी दूरी पे वो बैठाएंगे, और सब कुछ लिखा हुआ कि वॉशरूम में सफाई होगी, सैनिटाइज़र का यूज़ होगा, सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट को जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और टेम्परेचर वगैरह भी मापा जाएगा, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है कि दरवाजे, हैंडल, सीढ़ियाँ, लिफ्ट बटन होगा, तो सारी चीज़ें सैनिटाइज़र की जाएंगी। ये सब कुछ जो है इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम के टाइम पे ये किन किन नियमों का पालन करना है सारी यूनिवर्सिटीज़ को। इसके बाद जैसे कुछ स्टेट ऐसी थी कि भाई जिन्होंने बोल दिया हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे, उसके बाद जो है UGC ने बोल दिया है कि अगर कोई स्टेट अपने आप ये डिसीज़न लेती है तो उनको कोई राइट नहीं है, अगर कोई स्टेट अपने आप डिसीज़न लेगी तो हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो कोई भी स्टेट जो है अपने आप यहाँ पर डिसीज़न नहीं ले सकते, वो इस चीज़ का विरोध कर सकते हैं बट खुद कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते कि हम स्टूडेंट को प्रमोट करेंगे, तब तक UGC नहीं बोलती, ठीक है। अब हम बात करें जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि हम एग्ज़ाम लेंगे, इन्होंने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसके बाद CRSU यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, उन्होंने भी जो है उच्चतर शिक्षा निदेशालय को जो है इस चीज़ की जो है रिक्वेस्ट की है कि भाई हम एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार हैं, आप हमें जो है परमिशन दें और ताकि हम जो है स्टूडेंट के एग्ज़ाम ले सकें। और जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने साथ जो है 2 यूनिवर्सिटी को और मिला लिया है कि भाई हम एक दूसरे की हेल्प करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एंड GNDU, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, पटियाला यूनिवर्सिटी पंजाबी और GNDU को बोला है कि हम एक दूसरे की हेल्प लेके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं, लाइक आपकी यूनिवर्सिटी जो आपके कॉलेजेस हैं उनको जो है हम भी एग्ज़ाम सेंटर बना सकते हैं, और आपकी जो मतलब एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। तो ऐसे एक दूसरे की हेल्प करके जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इन्होंने भी जो अपनी कल नोटिफिकेशन निकाल दी और बोल दिया कि हम एग्ज़ाम लेंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट के, जो है एग्ज़ाम की पूरी इन्होंने डेट दे दी है, 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक तो जो है एग्ज़ाम हो जाएंगे, ये इन्होंने बता दिया है फाइनल ईयर के स्टूडेंट के। और अभी जो है डेट शीट भी बहुत जल्दी ही अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे, ये इन्होंने बोल दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें सारी यूनिवर्सिटी से तब फीडबैक लिया गया, तो यूनिवर्सिटी तो बोल रही है, मतलब मोस्टली यूनिवर्सिटी ऐसी है कि एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ बोल रही है, बट स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ में जो है हेल्प नहीं कर रही है, वो स्टूडेंट के लिए कोई भी स्टेट नहीं ले रही है, सिर्फ 6 स्टेट है जो है स्टूडेंट के लिए खड़ी हैं। अब अगर हम बात करें कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी की, तो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी जो है अपना पूरा फॉर्मूला तैयार कर चुकी थी, इवन हरियाणा की यूनिवर्सिटी के लिए पूरा फॉर्मूला तैयार हो चुका था
कि भाई किस बेस पे स्टूडेंट को प्रमोट करना है, ठीक है। तो और कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी ने पूरा अपना पूरा प्रोसीजर कर लिया है, इंटरनल असेसमेंट बहुत पहले की जा चुकी है। तब वो मैंने आपके साथ ये बात जो है शेयर भी की थी कि हमारी इंटरनल असेसमेंट जा चुकी है और हमारा रिजल्ट जो है तैयार हो रहा है, कुछ स्टूडेंट का तो हो भी चुका है। तो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी ये है कि उनका ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, जल्द से ही जल्दी वो क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट जो अनाउंसमेंट कर सकते हैं रिजल्ट की, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा आ सकता है, बट यूजीसी की गाइडलाइंस जो हैं और स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन पे भी ये चीज़ डिपेंड करेगी कि हमें जो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, एमडीयू ने भी जो है अपना पूरा रिजल्ट तैयार कर लिया है। इसके बाद जो डीकस्ट मुरथल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी जो अपना रिजल्ट जो है पूरा तैयार कर लिया, क्योंकि देखो जो 5 यूनिवर्सिटी की कमेटी बनाई गई थी, लाइक वो चीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो वो फॉर्मूला बनाया जा रहा था कि रिपेयर वाले स्टूडेंट हो गए उनको कैसे प्रमोट करना है, डिस्टेंस वालों को कैसे प्रमोट करना है। तो उसमें जो है कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी इंक्लूड थी, एमडीयू इंक्लूड थी, मुरथल यूनिवर्सिटी इंक्लूड थी। तो इन्होंने तो जो है अपनी पूरी मतलब तैयारी कर ली थी और स्टूडेंट का पूरा रिजल्ट भी इनका जो है मोस्टली किसी का तैयार हो गया है, किसी का जो है अभी थोड़ा बहुत रहता है, बट मोस्टली हो चुका है सबका, ठीक है। तो ये है कि अब इनकी के ये रिजल्ट जो है डिक्लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज़ डिपेंड करती है यूजीसी की गाइडलाइंस पे भी और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन पे भी। और अभी तक जो है ना, तो हमारे हरियाणा की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, वो इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। सो एग्ज़ाम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते अब, क्योंकि इस सिचुएशन में जो है मुश्किल ही एग्ज़ाम होना, बट यूजीसी जो है वो तो यही बोल रही कि वो एग्ज़ाम लेगी लेगी लेगी। और जो उत्तराखंड के प्रोफेसर हैं उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, और जो भी वो एग्ज़ाम लेंगे तो जो यूजीसी ने एसओपी का फॉर्मूला उन्होंने दिया है तो उसका वो प्रॉपर जो है पालन करेंगे और जो है स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने के लिए जो है तैयार होना पड़ेगा, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। सो अभी तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी थी, जैसे कोई न्यू अपडेट आती है मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली अपडेट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।